कैसे आप सब तो हमने ना साफ़ सफ़ाई घर की शुरू कर दी है आ, हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा गंदा है घर में ये आप मैंने दिखाया था ना फर्स्ट टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा ये कारपेट गंदा है आई मीन जो रग है यहाँ का तो हस्बैंड को ये ना कहीं से मिल गया किसी शॉपिंग मॉल्स गए थे हम तो वहाँ पर रेंट पर दे रहे थे ये प्रोफेशनल वैक्यूम क्लीनर है ये एक्चुअली धुलाई कर रहा है कारपेट का पानी डाल के ना हल्का हल्का ऊपर ऊपर से धुलाई हो जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है सैनिटाइज हो जाएगा और गर्म पानी डाला जाता है इसमें और देखिए कैसा गंदा निकल रहा है और इसमें एक स्पेशल डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है मतलब ये सफाई जब करना हो नौ? ये देखिए पानी का कलर तो ये वाला डिटर्जेंट है कापे डिटर्जेंट तो ये डाल के हमने डेढ़ सौ एम डालना होता है एक बकेट पानी के लिए तो ये डिटर्जेंट हमने डाला ये पानी ये गर्म पानी है बिल्कुल गर्म पानी ही डालना है ताकि अच्छे से सफ़ाई हो जाए और उसके बाद जस्ट इसे ना पुल करना होता है तो हस्बैंड वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिविंग एरिया का हो गया था तो ऊपर चले गए और मैं यहाँ पे अपना काम कर ले रही हूँ ये सब मतलब अनबॉक्सिंग करना था जो मैंने कार्गो करवाया था ना दुबई से तो सारा सामान कांच का सही सलामत आ गया है तो मैं बहुत खुश हूँ और हाँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो ला सकते हैं या नहीं मतलब कार्गो कर सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल आप कर सकते हो क्योंकि मैंने जूसर ब्लेंडर मिक्सर मैं सब कुछ लेकर आई हूँ यहाँ पर तो तो आप भी ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट एक दो सामान मेरा थोड़ा खराब हो गया एक पैन थोड़ा बेंड हो गया है एक कंटेनर टूटा है तो वो सब मैं दिखाऊंगी आपको और अलीना भी मेरी हेल्प कर रही थी खुलने में और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी बट किचन की कंडीशन देख के ना मतलब मैं हैरान रह गई इतना ज़्यादा गंदा ये सब देखिए सिर्फ क्लीनिंग की नहीं किचन को मेकओवर की जरूरत है एक्चुअली सब वाइट सीमेंट डालना है और यहाँ पे चूल्हे के पीछे आप देख रहे हो ना 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 ही टाइल्स है पीछे वॉल पे और ना ही नीचे में फ़्लोर टाइल्स है देखिए पूरा ऐसे खुला हुआ है कितना गंदा लग रहा है देखने में तो हस्बैंड ने बोला कि वो अधेसिव टाइल्स आता है ना अभी कुछ नया निकला है तो वो लगा देंगे और ये सब हालत देखिए कितना ज्यादा गंदा जब हम ये घर देखने आए थे ना तो ऑलरेडी टेनेंट थे घर पे तो हम कैबिनेट खोल बोल कर नहीं देख सकते ना ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनका सामान है कैसे खोल के देख सकते थे बट जब अभी देख रही हूँ तो मेरी तो मतलब होश ही उड़ गया इतना ज्यादा गंदा है हर कैबिनेट हर ड्रॉर में इस तरह से ना पूरा गंदा फैला हुआ है तो अच्छा खासा टाइम जाने वाला है क्लीन करने के लिए और मेरे कुछ यूके के सब्सक्राइबर्स हैं जो यहाँ के हैं वो बोल रहे थे कि जब कोई जब भी कोई नए टेनेंट को घर देते हैं लैंड तो क्लीन करके ही देते हैं बट शायद वो समझ गए हमारी अर्जेंसी घर मतलब हमें चाहिए था वो हमारे बिहेवियर में दिख गया होगा कि हमें घर की ज़रूरत है तो बस ऐसे ही क्योंकि मैंने वीडियो भी भेजा था उन्हें बट उनकी तरफ से ना कोई रिस्पॉस नहीं आ रहा है जब मैंने उनको फ़ोन करके बोला तो उन्होंने बोला आप वीडियो सेंड करो हमने वीडियो सेंड किया सब कुछ दिया फिर उसके उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं कब तक वेट करती मतलब मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी सेट क्लीन करके सेट हो जाऊ और छोटे बच्चे घर में हो तो पता है ना जल्दी जल्दी कर लेना ही बेटर है तो बहुत परेशानी होती है नहीं तो तो मैं बस यहीं पे साफ सफाई पे लगी पड़ी हूं और हस्बैंड वहाँ पे उनका भी हो गया था ऊपर में बेडरूम्स में बस ये एंट्रेंस के पास जो कारपेट है क्योंकि कारपेट वगैरह ये बहुत बहुत ज्यादा गंदा था आप देख सकते हो बकेट में जो पानी है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक निकल रहा है पच्चीस से तीस बकेट पानी हमने मतलब चेंज किया है पूरे घर में मतलब धुलाई हुआ है कारपेट का हालत देखिए कैसा है और सीढ़ी के लिए ना ये स्पेशल इस तरह से दिया गया था आ, क्लीन करने के लिए तो अच्छा था रेंट पे शायद बीस या बाईस पाउंड का हस्बैंड लेकर आए थे एक दिन का रेंट इस तरह से है तो अच्छा हुआ कि मिल गया प्रोफेशनल था ना ये वैक्यूम क्लीनर तो अच्छे से क्लीन भी हो गया नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता नॉर्मल जो वैक्यूम क्लीनर आता है उससे इतना अच्छा गंदगी निकलता नहीं और शेल्फ वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा है तो मैंने सारा शेल्फ निकाल दिया है उसको अलग से बाहर जाके थोड़ा क्लीन कर लूँगी ईजी हो जाएगा मेरे लिए और लास्ट वीडियो में मैंने इस घर का एम टी होम टूर दिया था तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका अपना घर है या रेंट पे लिया है नहीं हमने रेंट पे ही लिया है और रेंट भी पूछ रहे थे तो यहाँ पे ना रेंट हम जो दे रहे हैं महीने का साढ़े आठ सौ पाउंड जो कि इंडिया का हो जाएगा एटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और मैं कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कन्वर्ट करके बताया करो समझ में नहीं आता है इसलिए तो एक महीने का एटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ रेंट है हमारे घर का तो देखिए यहाँ पे सारा शेल्फ्स ना मैंने क्लीन कर लिया है निकाल के जल्दी जल्दी हो गया नहीं तो वहाँ पे खड़े होकर करती ना तो बहुत टाइम लगता और फिर रीच भी नहीं कर पाती ऊपर ऊपर शेल्फ्स था और ये बटरफ्लाई वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है तो मुझे सब निकालना है तो मैं बटरफ्लाई बाद में निकालूंगी और यहाँ पर पहले मैं ये सब थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ उसके बाद तो सारा शेल्फ्स भी मैंने फ़िट कर दिया है यहाँ पर देखिए भी अच्छे से क्लीन हो गया है अब मैं जितना भी सामान है ना सारा एक करके ऑर्गेनाइज कर दूँगी और कुछ पैंस वगैरह है अभी थोड़ा सा मैं मैं बाद में डालूंगी वो सब एक जगह करके क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं कौन सा चीज़ कहाँ पे रखूँ तो मैंने यहाँ पे ये सारा सामान रख दिया है बाद में फिर मैं आपको ना पूरा जब घर और ये किचन ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो एक टूर दे दूँगी मतलब किचन टूर तो इस तरह से मेरे पास ये जो कंटेनर थे मैंने डाल दिया है सामान और एक टूट गया है इसका जो सेट है ना वो टूट गया मैं दिखाऊँगी आपको वो कार्गो में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और यहाँ पे ना मैंने सारा चॉपर वॉपर मिक्सर ये सब मैंने रख दिया है ग्रीलर वगैरह जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है और यहाँ पर मसाला का जो डब्बा नहीं था मेरे पास तो मैंने ऐसे ही रख दिया अभी आया नहीं है तो आ जाएगा तो फिर मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी सारे स्पाइसिस को तो बस मैंने ऐसे ही रख दिया है अभी और देखिए ये वाला डब्बा है ना ये टूट गया है पता नहीं कैसे तो दो तीन चीज़ ना डैमेज हुआ है फैन बेंड हो गया है एक और यहाँ पर ना मैं जब ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो हस्बैंड यहाँ पर आ गए अभी ये सब वाइट सीमेंट डाल रहे हैं नहीं तो बहुत गंदा लग रहा है दिखने लायक नहीं है तो इस तरह से उन्होंने पूरा डाल दिया है और थोड़ा सा डाले बीच में तो भी खराब लग रहा था तो हमने पूरा ये यहाँ से वहाँ तक ना पूरा भर दिया है सीमेंट से तो भी बहुत अच्छा लग रहा है कॉर्नर तक और हमारा कुछ सामान आ गया है अमेजोन से ये मैंने ना डिश रैक मंगाया है एक डिश ड्रेनर आ, बड़े साइज़ का मंगाया है क्योंकि अभी डिश वॉशर तो नहीं है मेरे पास तो हाथ से बर्तन धो के ना रखने में इजी हो जाएगा और ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो आप चाहो तो इसे एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह से ज़्यादा बर्तन है तो और ज़्यादा बर्तन नहीं है तो फिर इसे अंदर इस तरह से टक कर सकते हो तो इसलिए मैंने बड़ा साइज का मंगा लिया है इसमें ग्लास और कप भी होल्ड कप होल्डर भी है ऊपर कप भी लटका सकते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये और पानी का ना अपने आप पानी निकल जाएगा पानी निकालने की जरूरत नहीं है इसमें से काफ़ी सारे बर्तन इसमें आ जाएंगे आराम से और अलीना का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है परसों से तो वो भी टेंशन मुझे हो रहा है आ, कपड़े हम लेकर आए कल उसके तो अभी सब कुछ पता नहीं क्या है नहीं ये नया स्कूल है आ, अलीना तो बहुत एक्साइटेड है और देखिए पानी यहाँ से ना निकल जाता है जमा जब होता है पानी इसमें तो और ये जो कॉर्नर कितना गंदा था ना ये क्लीन हो गया है अभी तो यहाँ पर मैंने किचन टावल जो है रख दिया है और यहाँ पे एक वास लगा देती हूँ इस तरह से तो दिखने में थोड़ा एरिया अच्छा लगने लगेगा तो ये कॉर्नर थोड़ा ना हमारा अभी डेकोरेट हो गया है मतलब अच्छा लग रहा है ऑर्गेनाइज हो गया है और ये दूसरा वाला कॉर्नर है तो एक एक करके मैं सारा कॉर्नर ठीक कर रही हूँ अभी तो यहाँ पे ना मुझे ये स्पैटुला होल्डर चाहिए तो वो होल्डर मेरे पास अभी नहीं है वो भी मैंने ऑर्डर किया है वो आ जाएगा तो धीरे धीरे घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ये वाला अमेजॉन से आया था और देखिए बहुत अच्छा है सिरेमिक का है वुडन स्पून है छोटा सा और वुडन का लिड भी है तो बट साइज थोड़ा बड़ा होता ना तो अच्छा होता मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है साइज और मेरे पास एक मैजिकल पेन है देखिए इससे पता है क्या होता है इससे ना ये जो येलो येलो बीच में जम जाता है टाइल्स के आपने देखा होगा घर पे भी किचन में इस तरह से टाइल्स के बीच में येलो या कभी कभी ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो इससे ये वो फिक्स हो जाएगा बस आपको पेन को इस तरह से ना चलाना है उसके ऊपर तो इस तरह से मैं सारा टाइल्स जितना था सबको मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था और मतलब मैं क्या बताऊँ कैसा लग रहा था तो इस तरह से ना मैं इसे फिक्स कर रही हूँ क्योंकि जब वो खाली घर देखने आते हो ना तो आप सुकून से देख सकते हो घर में कोई नहीं है बट घर में लोग ऑलरेडी रहते हैं उसके बाद आपको देखना होना उसी के बीच में तो होता नहीं है इतना अच्छे से मतलब देखना तो देखिए अभी लग रहा है कि टाइल्स बिल्कुल नया लगा है टाइल्स ही नया लगा ऐसा लग रहा है इतना अच्छा क्लीन हो गया टाइल्स भी मैंने घिस के क्लीन किया है और ये सिंक भी मैंने क्लीन कर दिया है इसका वीडियो बना नहीं पाई बैटरी पूरा खत्म हो गया था फोन का पूरा ये ब्लैक था जो एरिया है ना पूरा ब्लैक था वो कलर स्टील का दिख नहीं रहा था तो मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के पूरा क्लीन किया है अच्छे से तब जाके सिंक ऐसा दिख रहा है और कुछ कपड़े जब से मैं आई हूं ना यहाँ पे मैंने कपड़े एक बार भी लॉन्ड्री नहीं किया है तो मशीन चला देते हैं एक बार और ये पॉड दिया गया है वो लैंड ने ही दिया था सब छोटा छोटा सैंपल सब चीज़ों का तो मैं फर्स्ट टाइम ये कपड़ों का जो कपड़े धोने का जो पॉड है ना वो यूज़ कर रही हूँ वो अपने आप बस्ट हो जाता है इसमें कपड़े के साथ डालना होता है इस तरह से तो बस कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और उसके बाद हमें लग गई थी भूख तो खाना तो घर पे नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था काम करते करते तो हम आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हस्बैंड वेज ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वेज ऑप्शन मांग रहे हैं उनसे तो मैंने यहाँ पे ना ग्रिल चिकन विद सैलेड ले लिया था और एक्स्ट्रा सैलेड था अलीना ने ये बिरयानी और मटन चॉप कुछ है ऐसा दाल वगैरह था मीशो के लिए हमने फ्राइज और नगेट्स लिया था और ये जो रेस्टोरेंट है ना टर्किश रेस्टोरेंट है आ, हलाल देख हम आए थे घर से हमने फाइंड आउट कर लिया था यहाँ का लोकेशन वगैरह सब पता करके फिर हम सीधा आ गए थे वाटर 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 यू और हमें यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा तो हस्बैंड बोल रहे थे फिर कभी नेक्स्ट आना हुआ रेस्टोरेंट में तो यहाँ पर ही आएंगे खाना बहुत ही यमी था यहाँ का तो <laughs> हसबैंड को तो बहुत अच्छा <laughs> लगा <laughs> और हस्बैंड ने मंगाया था वेजिटेबल देखिए ये भिंडी करी कुछ मंगाया है साथ में सैलेड तो है ही और दाल वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री देते ये लोग तो कल तो मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ कर लिया था थोड़ा बहुत मतलब पूरा नहीं हुआ है सामान पूरा नहीं आया अमेजोन से भी, भी सामान बहुत सारा आना बाकी है किचन का तो जैसे जैसे सामान आएगा ना वैसे वैसे मैं ऑर्गेनाइज करती जाऊंगी तो आज मैं ना ये वॉड्रोप क्लीन कर ले रही हूँ थोड़ा वॉर्ड्रोप ऑर्गेनाइज कर दूंगी क्योंकि एक बार किचन आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है वार्ड्रोप ऑर्गेनाइज हो जाता है ना घर ऑलमोस्ट सेट हो जाता है सेवेंटी परसेंट घर से उसी में सेट हो जाता है तो बस मैंने हल्का फुल्का क्लीन कर लिया क्योंकि ये थोड़ा क्लीन ही था इतना गंदा नहीं था और उसके बाद ना यहाँ पे मैं इसका सारे कपड़े मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और यहाँ पे अलीना का यूनिफॉर्म वगैरह हम लेकर आए थे बहुत ही प्यारा कलर है ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रे दो कलर वो मतलब कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर तो हम ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे लेकर आए थे तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर दूँगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है सारे सूटकेस में देखिए इस तरह से भरे पड़े हैं तो बस देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है ऑर्गेनाइज़ और ये कबट्ट बहुत अच्छा स्पेशियस है बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे और हैंगिंग ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत सारे कपड़े आप हैंग कर सकते हो तो कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है यहाँ पे इस साइड में मैंने ना अपना कपड़ा रखा है और जो पहनने के कपड़े मैंने फोल्ड करके नीचे रखा है और वहाँ पे ऊपर में ना आप डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह रख सकते हो पतला सा शेल्फ है और यहाँ पे हस्बैंड का ये सब शर्ट वगैरह रख दिया है और मीशू का कपड़ा ना पूरा भी मैंने खोला नहीं है एक सूटकेस में मीशू का और थोड़ा बहुत मेरे कपड़े हैं तो वो मैं बाद में खोलूँगी और इतने में मेरी हालत खराब हो गई यहाँ पे हस्बैंड का कुछ रेगुलर वेयर मैंने नीचे रख दिया है और इस तरह से ना कपड़ा पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है मिश अना का ये ऊपर का है सब ड्रेसेस ऊपर रख दिए हैं और टॉप्स एंड टी शर्ट्स उसके नीचे रख दिए हैं लेगिंग्स वगैरह साइड में मैंने रख दिए उसके इस तरह से जमा कर और कुछ कपड़ा है बेडशीट्स वगैरह जो है ना मैं ऊपर रख दूंगी जगह है वहाँ पे और यहाँ पर ये उठ केस में मीशो का कपड़ा है थोड़ा बहुत मेरे भी कपड़े हैं तो इसे में बाद में खुलती हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब आ, स्पेस है कपड़े रखने के लिए तो यहाँ पर मैं बेडशीट्स वगैरह और मेरे कुछ कपड़े और भी है वो रख दूँगी तो ये हो गया था और हजबेंड ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो मैंने दिखाया था ना आपको यहाँ पे टाइल्स हम लगा देंगे एधेसिव टाइल्स आता है अभी मतलब जस्ट निकालना है और चिपकाना है सीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है तो कितना कुछ मतलब अभी निकल आया है नया नया चीज़ काफ़ी अच्छा है हेल्पफुल भी है मतलब नहीं तो टाइल्स वाइल्स लगाना कितना मुश्किल हो जाता है ना सीमेंट लगाओ फिर आप खुद से नहीं कर सकते हो आपको कोई लेबर चाहिए करवाने के लिए बट ये जो है ना आप खुद से ही कर सकते हो जस्ट इसे खोलना है और लगाना है और इसका जो लुक आता है ना बिल्कुल नेचुरल मतलब रियल लुक आता है लगता है कि टाइल्स ही लगा हुआ है तो ये ना हम वॉल पे लगाएंगे लगाएंगे कि हस्बैंड ने ऑलरेडी लगा दिया है देखिए थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं आई यहाँ पे देखिए तो इस तरह से वो लगा रहे हैं और फ्लोर पे ना वो वाला फ्लोरिंग का जो हम लेकर आए वो लगा देंगे तो इस तरह से ना बहुत सारा मेंटेनेंस का काम था छोटे छोटे मोटे है अभी पर्दा भी एक दो जगह टूटा हुआ है थोड़ा वो भी फिक्स करना है हमें तो इस तरह से ना बहुत सारे काम निकल आए यहाँ पे देखिए इस तरह से खुलता है यहाँ पे और ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड ही करे हस्बैंड आज फ्री है तो कर रहे हैं वरना मैं खुद कर लेती इतना आसान है ये आप ख़ुद भी कर सकते हो हस्बैंड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर आप चाहते हो मतलब तो ऐसा कुछ आपके घर में भी इश्यूज़ है तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हो देखिए लुक भी कितना अच्छा आता है ना वुडन फ्लोर का लुक आ रहा है वुडन टाइल्स ऐसा लगा हुआ है नीचे में तो तो बस ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया है और स्टोव भी क्लीन करना है लेकिन मैं कल करूँगी ये नीचे देखिए यहाँ पे अच्छा है लेकिन स्टोव बहुत अच्छा है यहाँ पे आप पिज़्ज़ा या केक बेक कर सकते हो ऊपर दिया है बेकिंग के लिए तो दो सेक्शन है ऊपर एक बेकिंग का सेक्शन है और नीचे जो है ना यहाँ पे ग्रिलिंग का सेक्शन है यहाँ पे आप ग्रिल कर सकते हो इसे इसे भी क्लीन करना है अच्छे से क्लीन करना होगा तो इसलिए ना टाइम देना है तो मैं कल ही करूँगी आज मैं थोड़ी बिजी हूँ दूसरे काम में तो बस और देखिए हमारा सामान आ गया है यहाँ पे यहाँ पे हस्बैंड ना जाकर किसी स्टोर से लेकर आया यहाँ और कुछ सेल चल रहा था वैक्यूम क्लीनर का और यहाँ पे अमेजोन से कुछ आया है और ये राइस स्टोरेज खोलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैं राइस कंटेनर सर्च कर रही थी ना तो काफ़ी महंगे महंगे आ रहे थे एयर टाइट कंटेनर जो होते तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा अलग ही लिया जाए महंगा ही मतलब सेम प्राइस हो जा रहा था एयर टाइट कंटेनर का और उस राइस स्टोरेज का तो मीशो देखिए आके बैठ गई है उसके ऊपर चाबी शुक्रिये ना हम छोटा सा छेड़ लेने वाले और यहाँ पे डस्टबिन और ये पीलो पीलो वग़ैरह मंगा लिया था हमने यहाँ पे बड़े साइज़ का डस्टबिन यूज़ होता है क्योंकि रिसाइकलिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे तो घर का छोटा मोटा सामान पीलो डस्टबिन ये सब हमने मंगा लिया है और चलिए वैसे और ये ना सामान मैंने जो अनबॉक्सिंग किया है अभी कार्गो से आया था ये सारा मैंने ऐसे ही रख दिया है अभी तो इसे बाद में देखते हैं कहाँ पर कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा सोच समझ के फिर हम इसे लगाएंगे तो सबसे पहले ना हम ये वैक्यूम खोल लेते देखते हैं वैक्यूम कैसा है और उतर ही नहीं रही है उसके ऊपर से तो एक वैक्यूम ना हमने ऑलरेडी देखा था अमेजोन पे तो हमें अच्छा भी लगा था हमने कार्ट पे ऐड करके रखा था बट फिर हस्बैंड ने देखा कि एक सेल है प्लस इसका जो वॉट है ना 800 हंड्रेड वॉट का ये वैक्यूम है और जो बाकी जो अमेजॉन में है सब 700 हंड्रेड वॉट का है तो हस्बैंड ने बोला अच्छा स्ट्रॉन्ग सक्शन वाला वैक्यूम हो तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे फ्लोर तो है नहीं कि झाड़ू पोछा कर दिया घर क्लीन हो गया तो वैक्यूम से ही ना अच्छे से साफ़ होता है डस्ट वगैरह निकालना है तो तो हमने अच्छा पावरफुल लिया है ताकि अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो सके और ये काफ़ी लाइट वेट है और मैं दिखाती हूँ अभी राइस स्टोरेज तो ये हमारा राइस स्टोरेज टेन के का है उस पर लिखा हुआ था दस के चावल इसमें आ जाएगा तो डालने से ही पता चलेगा तो इस तरह से है अच्छा है देखिए ज़्यादा बल्कि नहीं है राउंड डब्बे टाइप नहीं है ज़्यादा जगह नहीं लेगा ये स्ट्रेट लंबा सा है और साथ में दिया गया है इसके एक मेजरिंग कप भी है प्लस आप ना इसमें रिंस भी कर सकते हो चावल को धोना है तो धो भी सकते हो देखिए होल होल बना हुआ है पानी निकलने के लिए रस्ता है यहाँ पे तो इस तरह से लगा के बटन को प्रेस करना होता है मैं दिखाती हूँ आपको तो ये दस के का हमारे पास ये है देखते हैं इसमें फिट आता है या नहीं आता है पहले और दस के का तो अच्छा है बार बार रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि चावल वगैरह ना हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होता है तो एक बार डाल दिया तो बस चलता ही रहेगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिजाइन वगैरह और देखिए इतना तो फिट आ गया कितना बचा है चावल मैं दिखाती हूँ आपको ये ढाई सौ ग्राम जैसा ना ढाई तीन सौ ग्राम चावल होगा इतना सा बचा हुआ है पूरा नहीं आया नहीं तो बाहर आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा डाले तो तो इस तरह से प्रेस करना होता है देखिए मस्त है ना इस तरह से जस्ट प्रेस करो और चावल बाहर आता है और बहुत अच्छा क्वांटिटी में नीचे आता है तो मतलब ऐसा नहीं कि बार बार आपको प्रेस करना है बहुत टाइम तक मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये और यहाँ पर ना इस तरह से हल्का सा मतलब क्लियर है यहाँ पर आप देख सकते हो चावल ख़त्म हो रहा है तो रिफ़िल करना है तो आपको पता चलेगा तो आप रिफिल भी कर सकते हो और ये डस्टबिन में ना साथ में स्टिकर आया था मतलब फ़ूड वेस्टेज का स्टिकर अली लगाने वाली है क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब आप फूड और ये कैन बॉटल प्लास्टिक से भी साथ नहीं डाल सकते हो फूड वेस्टेज जो होता है वो आपको अलग डालना है अलग डस्टबिन में क्योंकि रिसाइकलिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे सब कुछ रिसाइकल होता है प्लास्टिक प्लास्टिक जो भी है ना तो यहाँ पे हम फूड स्टोरेज का लगा रहे हैं क्योंकि ये भी एक और डस्टबिन लेना पड़ेगा हमें रिसाइकिलिंग के लिए तो वो जब लेंगे तो कैन वैन वो सब उसमें डालने के लिए इजी हो जाएगा और ये वाला क्लिप ना एक्चुअली ये फर्स्ट हाफ कल ही हो गया था काम बट मैंने फर्स्ट हाफ में मैं लगाना भूल गई ये क्लिप को तो मैंने सेकंड हाफ में लगा दिया वीडियो के और देखिए वो ना एक्चुअली टूट टूट गया था थोड़ा उखड़ उखड़ गया था तो बच्चों के पाँव में लग जाता तो हस्बैंड ने यहाँ पे भी ये पूरा निकाल के ना नया वाला ये लगा दिया है और ये हम फ्लोर पे लगा रहे हैं ना इसलिए एक्स्ट्रा अदेसिव हम लगा रहे हैं स्प्रे अदेसिव है ये ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए और अपनी जगह से हिले ना क्योंकि फ्लोर है ना बच्चे आएंगे जाएंगे उछल कूद करते हैं तो निकल ना जाए इसलिए और ये काफ़ी ना मतलब सस्ता है ओनली पाँच पाउंड का एक पैकेट आता है मतलब इंडिया का हिसाब लगाओ तो पाँच सौ तो रुपये होते ओनली तो इसलिए ना हमने लगा लिया यहाँ पर भी और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है अभी और वो जो था ना पहले का पुराना वाला तीन चार जगह से उखड़ गया था तो बच्चों के पाँव में ज़रूर फंस जाता इसलिए हमें चेंज करना पड़ा और यहाँ पर ना हसबैंड कुछ टूल्स वगैरह भी लेकर आए थे घर का छोटा मोटा काम मेंटेनेंस का क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अब बाहर से लेबर को बुला के काम करवाते हो ना बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं वो लोग और कपड़े जो सूख गए थे मैंने डाल दिए यहाँ पर और यहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ गार्डनिंग वगैरह करने की मतलब वेजिटेबल्स उगाने का बहुत शौक़ है मुझे अभी तो अभी ना मैं यहाँ पे थोड़े बहुत वेजिटेबल्स ग्रो करूँगी और यहाँ देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे ब्लॉसम्स हुए पिंक कलर के और देखते हैं क्या कर सकते हैं तो बस ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग मोस्टली फर्नीचर वगैरह आ जाएगा तब तक तब मैं सेट वेट करूँगी वो उसका होगा फर्नीचर वगैरह मैं दिखाऊँगी आप लोगों को तो बस ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखें स्टे सेफ बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़